तो अभी यहाँ पे आसपास के गांवों की जितनी भी डोलियाँ आई हुई हैं तो सभी देवरिया ताल की परिक्रमा करेंगी। यहाँ पे देखिए एक दादी जी ने हमारे गढ़वाल का पारंपरिक पहनावा लवा पहना हुआ है, और इसको क्या बोलते हैं, पिन। हाँ, तो एक चांदी की पिन है जो कि पुराने टाइम के लोग पहना करते थे। तो बहुत अच्छी बात है आपने आज तक भी इस परंपरा को बनाए रखा है, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। और ये देवरिया ताल का एरिया बहुत बड़ा है और इसका एक राउंड लगाने में लगभग 1 किलोमीटर का एरिया लगता है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मनीषा बजवाल और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत सी पहाड़ियों से। अभी सुबह के करीब 9 बज गए हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। अभी मेरी तैयारी है देवरिया ताल जाने की, क्योंकि आज वहाँ पे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पे एक भव्य मेला लगने वाला है। तो चलिए चलते हैं और आज के इस छोटे से सफर की शुरुआत करते हैं। अभी तो मैं घर से अकेले ही निकली हूँ, लेकिन आगे चलते हुए रास्ते में कई सारे लोग मिलने वाले हैं जो कि देवरिया ताल जा रहे होंगे। चलिए जी, सफर में आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुँच गए हैं सारे गांव में, और हमारे घर गांव से सारे गांव का जो रास्ता है देवरिया ताल जाने के लिए, तो वो सबसे आसान और सबसे नज़दीक का रास्ता है देवरिया ताल जाने के लिए। तो चलिए जी, आगे बढ़ते हुए यहाँ पे गांव के इष्ट देवता भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर भी है, तो थोड़ा सा दर्शन कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए एक दादी जी ने हमारे गढ़वाल का पारंपरिक पहनावा लवा पहना हुआ है, और इसको क्या बोलते हैं, पिन। हाँ, तो एक चांदी की पिन है जो कि पुराने टाइम के लोग पहना करते थे। तो बहुत अच्छी बात है आपने आज तक भी इस परंपरा को बनाए रखा है, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। और जो लोग पैदल नहीं जा सकते हैं उनके लिए इस तरह से घोड़े खच्चरों की यहाँ पे व्यवस्था है। जितने भी लोग ऊपर को जा रहे हैं सभी देवरिया ताल ही जा रहे हैं, और इस बार मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ, क्योंकि पिछले साल के हिसाब से आज थोड़ा लेट हो गई हूँ, क्योंकि सारे गांव से हो गया और आसपास के गाँव से भगवान श्री कृष्ण की डोली ऊपर देवरिया ताल जाती है, तो इस बार डोली के साथ मैं नहीं जा पाई। जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे गांव भी पीछे छूटते जा रहे हैं। धीरे धीरे सफर में आगे बढ़ते हुए हम लोग यहां ऊपर टॉप में पहुंच गए हैं, और यहां से जो सामने के नज़ारे हैं वो देखने लायक हैं। साथ में आप लोगों को मेरे पीछे एक छोटी सी दुकान दिखाई दे रही होगी, तो देवरिया ताल रूट पे आप लोगों को कई कई जगहों पे ऐसी छोटी छोटी दुकानें मिल जाएंगी जहाँ पर आप लोग चाय नाश्ता कर सकते हैं। तो देखिए जी, रास्ता कितनी चढ़ाई वाला है, और इसी रास्ते से गाँव की महिलाएँ जंगल से घास फूस ले आती हैं। तो चलिए जी, लगभग 1.5 घंटे के सफ़र को तय करने के बाद अभी मैं पहुंच चुकी हूं देवरिया ताल में, और अभी मेरे बैकग्राउंड में आप लोगों को पहाड़ी जो वाद्य यंत्र हैं ढोल और दमाऊ, उसकी आवाज़ हल्की सी सुनाई दे रही होगी। आशामी दादों का मासे घूमे लो।
हमारा पाड़ो। तो अभी यहाँ पे आसपास के गांवों की जितनी भी डोलियाँ आई हुई हैं तो सभी देवरिया ताल की परिक्रमा करेंगी। तो कहा जाता है कि जो भी यहाँ इस ताल को देखने के लिए सच्चे मन से आता है तो नाग देवता उसे दर्शन देते हैं। और अभी ढोल और दमाऊं जो कि उत्तराखंड के वाद्य यंत्र हैं उनके साथ आसपास की जितने भी भगवान कृष्ण की हो गया और विष्णु भगवान की डोलियाँ हैं उनको परिक्रमा कराई जा रही है। और सबसे आगे जो हैं हमारे ढोल वादक के पीछे से हमारे उत्तराखंड की हमारे एरिया की जागर गायिका रामेश्वरी देवी जी। और यहाँ पे देखिए गांव की महिलाओं ने हमारे उत्तराखंड की जो पारंपरिक पहनावा होता है लावा हो गया नथली हो गई और पारंपरिक जो आभूषण होते हैं वो पहन रखे हैं। जहाँ अभी यह मेला लगा हुआ है देवरिया ताल, कहते हैं कि पांडव काल में यहीं पर यक्षराज रहा करते थे जिन्होंने महाराज युधिष्ठिर से प्रश्न किए थे। तो चलिए जी, सभी लोग ताल की परिक्रमा कर रहे हैं तो मैं भी परिक्रमा करने ही आई हूँ। और साथ में मुझे यहाँ पे मेरी दो बहना भी मिल गई हैं, ये रह गए, और दोनों यहाँ पे फोटो शूट कर रहे थे। तो बाकी भीड़ आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है। और यहाँ से जो है ठीक सामने जो स्टेज बना हुआ है यहाँ पे मेला लगा हुआ है और बहुत सारे कार्यक्रम भी हो रहे हैं तो वो भी थोड़ा बहुत दिखाऊंगी क्योंकि गाने बज रहे हैं, माइक लगा हुआ है तो कॉपीराइट आ सकता है। तो देखते हैं कितनी वीडियो बना पाती हूँ। बाकी कई सारे ब्लॉगर देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पे भी देखिए प्रमोद रावत जो कि फेमस यूट्यूबर में से एक है तो ये भी आए हैं। तो इनके अलावा भी बहुत सारे आए हैं, बहुत सारे जो कि जान पहचान के भी हैं और कुछ लोगों को ऐसे ही सोशल मीडिया के जरिए देखा है। जी अभी दोपहर के 12:30 हो गए हैं और घर से ढंग से खाना खा के भी नहीं आए थे तो सपना भी मिल गई है यहाँ पे। और कई सारे लोग हैं जो मेले में मिल रहे हैं और मेले का सही अर्थ ही यही होता है कि अपने पुराने फ्रेंड से मिलना, रिश्तेदारों से मिलना, तो बहुत सारे लोगों से मिलना हो रहा है और बहुत खुशी की बात है। तो चलिए जी, हम लोगों ने अपने लिए एक एक समोसा मंगा लिया है और साथ में एक माजा की बोतल। तो कैसा लग रहा है, फिर इसको काफ़ी भूख लग रही है तो इसका मुँह फूला हुआ है सीधे भूख। तो यहाँ पे चलते चलते घूमते फिरते मौ से भी मिल गई है और साथ में और भी कई सारे लोग मिल रहे हैं और मेरी फ़ोन में ना बैटरी भी नहीं है तो बार बार ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। तो चलिए जी, खाना पीना भी हो चुका है और यहाँ पे जो प्रोग्राम हो रहे हैं उनमें आज के मुख्य अतिथि हैं हमारे उत्तराखंड के जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण जी। तो चलिए, अगली प्रस्तुति उनकी है तो आप लोगों को भी दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे उत्तराखंड के वाद्य यंत्र ढोल और दमाऊं भी जागर के लिए एकदम तैयार हो गए हैं। तो कुछ इस तरह से जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण जी का स्वागत करते हुए गण गायक जागर सम्राट आप सब
इसका लाडा लड़िया जो आप बहुत ज्यादा पसंद कर दें पद्मश्री डॉक्टर प्रीतम बरतवाण जी आपका भी छन दीदी बुलियो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर ला पद्मश्री डॉक्टर प्रीतम बरतवाण जी। तो चलिए जी, देवरियाताल मेले में जाने का एक बड़ा फ़ायदा मेरे लिए ये रहा कि उत्तराखंड के काफ़ी सारे बड़े यूट्यूबर्स से मिलने का मौका मिला। तो चलिए जी, मेले में घूमते फिरते नाते रिश्तेदारों से मिलना तो हो ही रहा है, साथ में यहाँ पे मुझे मिले हैं मेरे मायके साइड वाले मेरे क्लासमेट, तो काफ़ी अच्छा लगा इनसे मिल के। तो चलिए जी, मेले का समापन भी हो चुका है और सुबह जो सारे गांव से डोली गई थी तो वो भी अब घर के लिए रास्ता लग गई है। तो चलिए जी, अभी शाम के 6:30 हो रहे हैं और मैं भी घर वापस आ चुकी हूँ। ये था मेरा आज का देवरियाताल मेले का दिन। मेले में कई सारे लोगों से मिलना हुआ तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी खुशी हुई। तो चलिए अब बात करते हैं कि आप लोग देवरियाताल कैसे पहुँच सकते हैं। देवरियाताल तक पहुंचने के लिए आपको सबसे जो सरल रास्ता पड़ता है वो है सारेगांव। सारेगांव से लगभग 2.5 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद आप लोग देवरियाताल पहुंच सकते हैं। बाकी मेरे मायके साइड के जितने भी गांव हैं जैसे गैट, गडगो, गिरिया, मनसुना, उखीमठ, पाली, फापंज, तो इन सभी गाँव से जंगल के रास्ते ऐसे पैदल रूट हैं जहाँ से आप लोग देवरियाताल पहुँच सकते हैं। तो चलिए जी, कुछ ऐसा रहा मेरा आज का दिन। इसके साथ आज के इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद और आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मैं मनीषा बजवाल मिलती हूँ आपको अपने अगले इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।